डायरेक्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील की थी और आईजी साहब से। मेरे पास ग्राउंड और एविडेंसेस होने के बावजूद मैंने एफआईआर पहले करवाई और लोगों ने फेक करवाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा और अभी एक साल मुकम्मल होने को है। अभी मुझे चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से पता चलता है कि आपकी वो खारिज कर दी गई है जो आपके खिलाफ है। आप बताइए कि कैसा शेरी जो अपने शेर को बचाता है, ऐसे खराबा से जो मंशियात बेच रहे थे उन लोगों ने मुझे काउंटर एफआईआर काटी है जिसके लिए मैंने उनसे अपील की थी कि ये इसको खारिज किया जाए, बल्कि अब कहा जा रहा है कि नहीं जी है नहीं, और पुलिस जो है उनके मंशियात फरोशों के साथ बाज़ाब्ता मिली हुई है और वो मेरा एक्सरे छुपा करके वो कहानी कुछ की कुछ बयान कर रहे हैं जबकि मेरे एक्सरे मौजूद हैं। और अदालत का ये कहना है, जजेस का हमारे, वो कह रहे हैं जी हमारी डोमेन ही, जब ये पाकिस्तान पिनल कोड में लिखा हुआ है अगर एक ऑफिशियल जो है वो जुडिशरी के अंदर इनकरेक्ट जो है वो फ्रेम करता है, रिकॉर्ड ला कर देता है, जैसे मेरे एक्सरे रिपोर्ट होनी चाहिए ना कि सिर्फ ये कि ज़ाहरी खराशें आई, तो आप आधा देंगे तो सजा से बचा रहे हैं आप उसको, आप रिश्वत लेकर उसको सजा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मुझे कहा जा रहा है कोई खारिज आपकी अपील खारिज हो, किन ग्राउंड्स पर? मैंने अभी भी उनसे पूछा है, मुझे वो राइटिंग में दीजिए किन ग्राउंड्स पर। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये लड़की ना आए, ये मेरा राइट नहीं है, मैं हिंदुस्तान की शहरी हूँ, मैं कहाँ की हूँ, मैं पाकिस्तान की हूँ कि मुझे हाई कोर्ट डील नहीं करेगा और ट्रायल नहीं करेगा मेरे केस को? और जब मैं कह रही हूँ कि लोगों की लोअर कोर्ट्स में जजेस ये कह रहे हैं कि ये हमारा डोमेन नहीं है कि हम आई जी को बुलाएं या किसी ऑफिशियल को केस से आगे एक्सप्लेन करो। आपके साथ हुआ क्या था? जनाब ये मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर, इन्होंने पकड़ के मुझे मारा था और मेरी माला भी एक तोले की उतार ली थी, चूड़ियां उतार रहे थे तो मैंने शोर मचाया, नमाज मगरिब होने वाली थी तो लोग अंदर आ गए, उस वजह से मेरी बचत होगी, लेकिन जो मेरी ये सर्विकल स्पाइन थी वो मुड़ गई और वो जो कुछ हुआ माइनस। जी SHO थे, ये मैं खुसूसन कहूंगी नाम के अंदर राशिद हबीब थे, इन्होंने अस्पताल में भी लगातार मुझे फॉलो अप करके उनको मना किया कि उसको कुछ भी नहीं बताना कि कुछ हुआ है या नहीं, फिर मैंने बाहर से जब एक्सरे करवाए तो उनमें वो था सब कुछ। सरकारी अस्पताल में आपके एक्सरे या आपके रिकॉर्ड को किसने खराब करवाया? राशिद हबीब साहब ने। क्यों? आई डोंट नो, मेरा केस इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है किधर से? ख्वाजा फारूक साहब भी, उनके भाई भी, या जो भी ये जितने भी हमारे मल्ले के ये जो इस एज ग्रुप के लड़के हैं इन सबको वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनका वोट मैं मदी मस्जिद लोअर प्लेट। आपका बेसिक मुकदमा किसके साथ है? ये मेरे सगे भाई के साथ है, उसने और उसकी बेटी, और अभी सिर्फ कागजों में सिर्फ वो ये लिख लिख के दे रहे हैं कि वो आर्मी की एथलीट है, मतलब उसने पकड़ के रखा और बाप ने गर्दन तोड़ी। आप मुझे बताइए कि मैंने ला इलाहा ये कुरान पाक बैग में मेरे साथ है, मैं हर जगह लेकर फिर रही हूँ, इसकी बेतौकीरी चीफ जस्टिस ने भी की है, मतलब आप अगर इस इस्लामी स्टेट के अंदर इसकी वैलिडिटी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, दूसरा ये भी ना कहे कि ये गलत बोल रही है, मैं कुरान उठाता हूँ, तो फिर कैसे जजेस नहीं मानते कि मेरा आलम ठीक है? किसी चीज को कंसिडर ही नहीं करेगी, मेरा रब ही कोई कह डाले, ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहा। ठीक है, हम आयदा मुंशियात का नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ की चीजें होंगी, वो भगाना भी चाहेंगे वहां से, लेकिन ये अब अल्लाह ही है। मैं तो चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर से खुसूसन उनसे अपील करूंगी वो इंटरफेयर करें, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो हमें, मैं चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर के उनके पास गई, उनके PS ने कहा नो 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 हम आपको एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि आप उनके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास जा चुकी हैं, राजा सदाकत के पास, उन साहब के पास जा चुकी हैं, अब आप आगे नहीं जा सकती, वो देखेंगे इसको। आज मुझे पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपकी अपील खारिज कर दी, किन ग्राउंड्स पे? मुझे ये बताइए मेरा जेन्युइन केस है, मेरे एक्सरे है, मेरी मेडिकल है, और आप एक ऐसे बंदे का जिन लोगों ने मुझे काउंटर करके मारा उस बेस पे कि मैंने वो पकड़वाई थी, जी हाँ, और इन लोगों ने मुझसे ये बदला लिया, और अब अदलिया जो मेरा कर रही है वो मेरे से बर्दाश्त से बाहर है, स्टेट हमारी माँ होनी चाहिए, हम लोग स्टेट की बका, उसकी सालमियत और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर हमारी ये सोच है तो हमारे साथ ऐसा तल्लक और ऐसा सलूक, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत ज्यादा।